चलिए राजधानी भोपाल से इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देते हैं। आज सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक चल रही थी, प्रदेश के तमाम आला अधिकारी इसमें जुड़े थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी और समक्ष रूप से भी वहां पर तमाम बड़े अधिकारी जुटे थे। सीएम हाउस में लगभग 2 घंटे तक बैठक चली, जो अभी जानकारी मिल रही है कि समाप्त हुई है। इस बैठक को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूरी विस्तृत जानकारी दी है। क्षेत्र से जुड़ी तमाम विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई है और जानकारी दी है नरोत्तम मिश्रा ने कि 23 मार्च को 3 साल की जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो बताए जाएंगे। साथ ही साथ अफसरों को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेसा एक्ट को लेकर निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ जो योजनाओं का संचालन हो रहा है उनके लाभार्थियों से भी फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मंत्रियों को यह निर्देश है कि ACS और CS के साथ चर्चा करें और सभी विभागों में नई भर्तियों को लेकर भी निर्देश दें। बड़ी खबर मिल रही है, 15 अगस्त तक 1,14,000 भर्तियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अलग अलग विभागों में जो पद खाली हैं उन पर नई भर्तियों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं और जो पद खाली हैं उनको लेकर भी पदों को भरने को लेकर भी जानकारी मांगी है। चुनावी साल का आगाज हो चुका है, एक तरफ कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी है तो वही आज सीएम हाउस में बड़ी बैठक हुई है और तमाम आला अधिकारी और मंत्रियों के साथ हुई इस बैठक में आने वाले दिनों की रणनीति और रूपरेखा स्पष्ट कर दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सरकार 23 मार्च को अपने पूरे 3 साल के जो कार्यकाल है उनकी उपलब्धियां बताएगी और साथ ही साथ अफसरों को निर्देश है कि पेसा एक्ट को लेकर काम किया जाए और योजनाओं के जो लाभार्थी हैं मंत्रियों को निर्देश है कि योजना के जो लाभार्थी हैं उनसे योजनाओं से जुड़े फीडबैक लिए जाए। हमारे सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ है, लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुए थे। विवेक, 2 घंटे तक बैठक चली है, उसके बाद काफी सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण चीजें थी इन पर चर्चा हुई है? बिल्कुल अभिषेक, मुख्यमंत्री निवास में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। करीब बैठक की बात की जाए तो 2 घंटे तक मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्री और अधिकारियों से बैठक कर रहे थे, जिसमें नए वर्ष की बधाई दी है और साथ ही 23 मार्च को करीब बीजेपी सरकार के 3 साल हो जाएंगे और 3 साल में प्रदेश सरकार द्वारा जो काम किए गए, जो उपलब्धि की गई है उसको बताने को लेकर रणनीति तय की गई है। साथ ही 2023 यानी जनवरी के महीने की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात की जाए या G20 की बात की जाए तो तमाम चीजों को लेकर बड़े इवेंट जनवरी में होना है प्रदेश सरकार की और वो इवेंट किस प्रकार से जनता के बीच में जाए और इवेंट का जो 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 उद्देश्य है वो किस प्रकार से लोगों तक पहुंचे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से चर्चा की है। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि उनकी जो जवाबदारी है वो निभाएं और तमाम जो प्रदेश सरकार की योजना है उसको किस प्रकार से जनता तक उनका लाभ पहुंचे और जो भ्रष्ट अधिकारी है यदि किसी भ्रष्ट अधिकारी या किसी अधिकारी की शिकायत मिल रही तो उनके खिलाफ जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए। साथ ही 26 जनवरी की बात की जाए तो 26 जनवरी के कार्यक्रम को महा आयोजन कैसे बनाया जाए जिसमें आम जनता की भी सहभागीदारी इस कार्यक्रम में हो, जिसको लेकर भी रोड मैप तैयार किया गया है, चर्चा की गई। साथ ही मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, साथ ही हितग्राहियों पर लगातार पूरी तरह फोकस है और हितग्राहियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले क्योंकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की यदि बात की जाए तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इन तमाम जो जैसे जल जीवन मिशन की बात की जाए, आपका राशन आपके द्वार ऐसी योजनाओं की अधिकारी मॉनिटरिंग करें, पूरा इसका ख्याल रखें कि योजना जमीनी स्तर तक कैसे जा रही है, लोगों को इसका लाभ कैसे मिल रहा है, पैसा एक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही। जनजातीय क्षेत्र की बात की जाए, बेगा आदिवासी क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर जो
प्रभारी मंत्री हैं वो पंचायत लगाए, लोगों की समस्या सुने, उनका निराकरण करें समस्याओं का। साथ ही बेरोजगारी की यदि बात की जाए, क्योंकि 2023 की बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और जिस प्रकार से आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की गई थी तो उसमें कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। और भर्तियों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने विभाग के सभी मंत्रियों को और कमिश्नर को और एसीएस को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह अपने विभाग में भर्ती जल्द से जल्द लाए। यानी देखने वाली बात यह है कि 1,14,000 से ज्यादा भर्ती हर मंथ होना चाहिए। करीब हर मंथ की यदि बात की जाए तो हर महीने 2.25 लाख यानी दो लाख से ज्यादा युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिले। और सरकारी सेक्टर की बात की जाए तो 15 अगस्त तक यानी मध्य प्रदेश में जितने भी विभाग हैं सभी विभागों में युवाओं को रोजगार मिले, इस प्रकार की आज की अहम बैठक में चर्चा की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विवेक विस्तृत जानकारी के लिए। 9 वर्ष का रोडमैप भी सम्मानित मंत्रियों को, सीएस को, सभी पीएस, कलेक्टर्स, कमिश्नर्स को आज विस्तार से बताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना था कि हमको ईश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है, हम आस्तिक हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं और इसलिए प्राण पल से हम सबको जुटना है। उपलब्धियों के बारे में भी उन्होंने जो इन 3.5 साल की उपलब्धियां होंगी, जो 23 मार्च को अवसर आएगा उसमें विस्तार से हमने जो 3 साल में किया है सभी विभाग अपना अपना रखेंगे, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। वैभवशाली, गौरवशाली और समृद्ध भारत के लिए समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में जो किया है वो बताएंगे। मनी ने सभी को कहा अर्जेंट काम और इम्पोर्टेंट काम दोनों को विभाजित करें। अर्जेंट से मतलब कभी कभी जैसे कोरोना आया अर्जेंट काम था, बाकी काम रोकना पड़े। इम्पोर्टेंट काम जो हम करते हैं वो अब जनवरी मास के ही 4 प्रमुख काम हैं जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की छवि ग्लोबल स्तर पर बनेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, प्रवासी भारतीय दिवस, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं, 3 दिन का है ये, खेलो इंडिया और G20 की बैठक, ये जनवरी का है और इसलिए इसमें 0 डिफेक्ट और मैक्सिमम इफेक्ट के साथ हमको इन चारों को देखना है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक, जो जनवरी के बाद फरवरी का प्रोग्राम उन्होंने बताया, सभी गांवों में